चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी के ग्राम सभा केवटलिया निवासी केशरी देवी पत्नी श्री पूजन व माया के बीच जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा था। इसकी कई बार मजनू चौकी से लेकर थाने तक कई बार पंचायत हुई। रविवार को केसरी देवी विवादित जमीन पर शौचालय का निर्माण शुरू करा रही थी, तभी दिन के लगभग 12 बजे माया पक्ष के माया रेणु पुत्री ईश्वर नंदिनी रामशेखर ने कुदाल व अन्य धारदार हथियार से वार शुरू कर दी, जिसमें नितिन पुत्र राम सेवक, राधा पुत्री राम सेवक, ललिता देवी पत्नी राम सेवक व केसरी देवी पत्नी श्री पूजन घायल हो गए, जिसमें केसरी देवी की हालत नाजुक होने से इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेष घायलों को इलाज व मेडिकल हेतु कोड़िया भेजा गया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ चिल्वाताल में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, बाकी की धरपकड़ जारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया। थाना चिल्वाताल में मजनू चौकी के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला है, उसको मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। और मामला उनका कुछ जमीनी विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों में जो महिलाएं उनमें आपस में मारपीट हुई और उस चोट लगने से जब उपचार के लिए उसको मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, तो उस दौरान उसकी फिर उपचार में मृत्यु हो गई। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें जो नामजद हैं इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस ने इसमें मौके से ही जो 2 महिलाएं हैं उनको पकड़ लिया है।